हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन 3 पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। देयर आर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 11 का आपने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर रेडॉक्स, जनरल यहाँ रेडॉक्स जो रिएक्शन है करके 11th में चैप्टर है ना, वो जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको समझ में आएगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो जनरली इसमें टोटल 3 पोर्शन है, 3 पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 1 टॉपिक। सेकेंड टॉपिक कंडक्टेंस, टॉपिक नंबर 2 कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। एंड लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? टोटल 3 पोर्शन है, तीनों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस टाइप ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट, हियर एनोड इज निगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड निगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में एक डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस और सिमिलरिटी को अपन यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं साथ में, तो एक टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राई सेल, जिंक कॉपर सेल, लेड स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी सेल। देखिए, आजकल फोन की जो बैटरी है जिसमें लिथियम आयन बैटरी आता है वो भी इसका एग्जांपल है। मीन जहां पर भी हमें कोई भी सेल है वहां से केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है मीन्स दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, या तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। पूरा कर लीजिए इसको, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलिए यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, दोनों डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे अपोजिट हम क्या जाएगा, अपोजिट कर देंगे उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। सिमिलरली एनोड यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, वहां पे एनोड क्या आ जाएगा, एनोड पॉजिटिव होगा और जो कैथोड होगा कैसा होगा, नेगेटिव है ना। सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, देर इज नो सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेल का कोई ये सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं है। सिमिलरली एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। मेटल के जितने भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स होते हैं प्रोसेस होते हैं, फिर मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, NaCl सोल्यूशन है ना, इसमें भी करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर देर इज नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, ये रेडॉक्स, रेडॉक्स तो दोनों जगह होता है ना, मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस
रिडक्शन, बट हियर इज नो स्पॉन्टेनियस एंड हियर इज स्पॉन्टेनियस। कंडीशन क्या हो जाएगा आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है डेल्टा जी लेस देन जीरो, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा जी लेस देन जीरो मीन डेल्टा रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है? ये मेरा छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ, उसका डायग्राम और वर्किंग प्रोसीजर वगैरह देख लेते हैं। कैसे वर्क करता है ये ध्यान रखना, टोटल थ्री पोर्शन है यहाँ पे, वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जनरली 8 मार्क्स का वेटेज है, 8 मार्क्स। जनरली 3 मार्क्स, 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स जो भी रहता है ना, ये वन क्वेश्चन रहता है एंड 2 मार्क्स वन क्वेश्चन, या फिर 2 नहीं होगा 3 4 होगा, इस टाइप से वेरी करता है, तो वेरी कर सकता है ना। बाकी जो रिमेनिंग होगा एमसीक्यूज में आ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेकिन सबसे पहले देखेंगे इसको बोलते डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं कई बार, गैल्वेनिक सेल। एग्जांपल अपन लेंगे जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल इसको डैनियल सेल बोलते हैं। चलिए इसका डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। दो सेपरेट टाइप के बीकर्स होते हैं, तो टू पार्ट्स होते हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट। जिंक रॉड, जिंक रॉड डिप इनटू दिस इज ZnSO4, ये हमारा जिंक रॉड है। जिंक रॉड पे तो जिंक प्लेट है डिप इन ZnSO4 सॉल्यूशन। सिमिलरली कॉपर प्लेट या फिर कॉपर रॉड Cu डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है? डिप कर दिया, यहाँ से क्या एक वायर कनेक्ट कर देंगे, बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, इंडिकेट करके करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों कनेक्ट कर दिए। ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो तो चार्ज क्रिएट कैसा होता है वही इंपॉर्टेंट है ना, चार्ज क्रिएट कैसे, हाउ टू क्रिएट चार्ज। तो ZN है ना यहाँ पे जिंक, जिंक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो रिलीज करने का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ये वायर के थ्रू यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं अपन, दिस इज कॉल्ड एनोड। चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्यों क्रिएट होगा, बिकॉज निगेटिव और निगेटिव में रिपल्सन होता है, तो निगेटिवली चार्ज प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को आउट करेगा वायर से, इसको एनोड। सिमिलरली एट्रैक्ट करेगा कैथोड, सॉल्यूशन किसके ZnSO4 का, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है Zn+2 एंड SO4 -2। सिमिलरली यहाँ पे बात करूंगा तो क्या आएगा कॉपर +2 एंड SO4 -2। क्लियर हो रहा है? मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ZN हुआ जिंक, जिंक डिजोल्व इन सॉल्यूशन, जिंक क्या करेगा डिजोल्व होगा, ZN इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयन एंड सिमिलरली यहाँ पे डिपोजिट होगा, जो कॉपर प्लस टू है ना कॉपर प्लस टू डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हम बन बोल रहे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहाँ से इसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आफ्टर सम टाइम इसका जो पोटेंशियल है ना इट बिकम जीरो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसका रीजन होता है बताऊंगा कि वो जीरो हो जाता है, तो हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। वो क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन है, देखो ये ध्यान देना ZN इज कन्वर्टेड टू Zn+2 एंड कॉपर +2 डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर ध्यान देना, Zn+2 के आयंस क्या होंगे इंक्रीज होंगे, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, सो दिस सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो
यहाँ पे ये कॉपर 2 प्लस क्या होगा, डिपॉजिट होगा इसके सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे सल्फेट का आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो दिस सोल्यूशन बिकम निगेटिव, निगेटिवली चार्ज, वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा सोल्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, वो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। समझ में आता है, तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे जो भी तुम्हारा बल्ब वगैरह कनेक्ट है या फिर जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस पूरा बेकार हो चुका होगा, तो क्या करेंगे हम, इसलिए यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे जो क्या करेगा, दोनों ही सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, है ना। सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन एंड इट इज इंटरनल सर्किट, है ना, इंटरनल सर्किट बोलते हैं इसको, इंटरनली ये सोल्यूशन को कनेक्ट करता है, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर हो गया। अब चलिए रिएक्शन की बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करता हूँ, तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन बताइए तुम्हें, जितने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा उसमें क्लियर हो गया होगा। एनोड पे जनरली ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स गेडन सॉलिड कन्वर्टेड इंटू Gn प्लस टू इक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दिस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक का प्लेट है ना, जिंक का प्लेट मतलब जिंक का जो साइज है उसमें हमें डिक्रीज होगा, रेट ऑफ जिंक प्लेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, वेट ऑफ जिंक प्लेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड यहाँ बात करूंगा मैं रिडक्शन की, मीन्स एट कैथोड रिएक्शन अगर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो रिडक्शन में क्या करना है, सी यू प्लस टू है, सी यू प्लस टू एक्वस फॉर्म में है, ये वाला सी यू प्लस टू एक्वस फॉर्म में क्या करेगा, यहाँ पे सरफेस पे डिपॉजिट होगा, टू इलेक्ट्रॉन पहले गेन करेगा, यहाँ पे गेन करने के बाद सी यू कन्वर्टेड इन टू सी यू रिडक्शन, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो यहाँ पे जो कॉपर प्लस टू जो सोल्यूशन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट 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 होगा, और यहाँ इसका अमाउंट कुछ डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, यहाँ पे इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो क्या बनेगा, अपन वेट ऑफ जिंक प्लेट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एंड वेट ऑफ कॉपर प्लेट इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, हम अब दोनों सेल को कनेक्ट करने वाले हैं, एनोड को और कैथोड को, देन वहां से हमारा नेट रिएक्शन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिएक्शन ऑक्सीजन एंड रिडक्शन, दोनों कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान देना इधर, नेट रिएक्शन इसमें बोलेंगे गेडन सॉलिड प्लस पी यू प्लस टू एक्वस टू गिव गेडन प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, क्लियर है ना। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे नेट इक्वेशन, नेट केमिकल रिएक्शन, समझ में आता है। चलो आगे देखते हैं, हाँ इसमें दो तीन चीजें हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब लिख लेना, लिखवा देता हूँ, देखो चलो लिखा था इसमें, आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर, कहाँ से कहा जाए इलेक्ट्रॉन्स बताओ, एनोड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं, पता ही है, तो हेड टू, क्लियर हो रहा है। आगे देखना है यहाँ पे, हम अब क्या फाइंड करेंगे, उसको बोलते सेल पोटेंशियल, सेल मीन्स दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, सेल का पोटेंशियल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान देना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का यदि सम करूंगा तो यहां से मुझे सेल पोटेंशियल मिलेगा है ना। बीच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज ई नॉट जेड एन टू जेड एन प्लस टू, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सिमिलरली ई नॉट कॉपर इसका रिड्यूस करना है, मीन्स कॉपर सी यू प्लस टू सी यू, ये ऑक्सीडेशन हो गया जीरो टू प्लस टू एंड प्लस टू टू जीरो, ये रिडक्शन हो गया है ना। अब देखो इसके बुक में बहुत सारे रिपीट करने के मेथड होते हैं, अपन इस मेथड से भी स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई नोट ध्यान देना, ई नोट ये ऑक्सीडेशन की तरह होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तो क्या करूंगा इसको निगेटिव कर दो, ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड, ये भी एक रिपीट करने का तरीका होता है। कैथोड को अपन क्या ले लेंगे एज इट इज, एनोड को चेंज कर देंगे। सिमिलरली वैसे ही माइनस ऑफ ई नॉट ई एल एच एस होता है, एल एच एस प्लस ई नॉट, तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है, हम इसको जनरली ये लेके चलूंगा, इससे मैं सारे इक्वेशन सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर ई नॉट एल एच एस माइनस ई नॉट ई नॉट RHS माइनस ई नॉट एल एच, इसको बोलते हैं अपन सेल पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, और इसका अपन फाइंड करेंगे कितना आ रहा है पोटेंशियल की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल इज इक्वल टू E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो जेड एन टू जेड एन प्लस टू एंड ई नोट सी यू प्लस टू टू सी यू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसकी वैल्यू होती है 0.76 प्लस इसका वैल्यू होता है 0.34, दोनों का सम करोगे आएगा 1.1 वोल्ट। अभी वैल्यू कहाँ से आए, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, तुम्हारे बुक में टेबल गिवन होगा, वहां पे सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होंगे है ना, तो ध्यान रखना वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन है, जस्ट उसको मैंने कन्वर्टेंस कर दिया, तो 1.1 वोल्ट एक मेरा अंतर आ गया। जो भी हमारे यहाँ से बैटरी क्रिएट हो रहा है, जो भी हमारे यहाँ से सेल क्रिएट हो रहा है, उसका वोल्टेज कितना आएगा, 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं, केस नंबर वन, इफ E not cell is greater than E external। देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो यहाँ पे भी जो apparatus था वहां पे हमने कनेक्ट किया हुआ था, जो भी हमारा ये यहाँ पे डायग्राम था, जो भी हमारा सेल था, इसके यदि मान लो आउटर सर्फेस के ऊपर हम यदि मान लो कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी, बिकॉज ये भी सेल है तो ये भी चार्जिंग होगा है ना, तो डिस्चार्ज भी होगा, चार्जिंग भी पॉसिबल होगा यहाँ पे, तो इस केस में अपन बोल रहे हैं कि वहां पे मैंने एक्सटर्नल एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है जिसके थ्रू ये सेल चार्ज होगा, तो उसको मैंने नाम दे दिया ई नॉट एक्सटर्नल, या तो ई एक्सटर्नल बोल दिया मैंने, और जो हमारा सेल का पोटेंशियल हो कितने 1.1 है, तो 1.1 तो 1.1 ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, ऐसा कंडीशन गिवन है, मीन जो हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है, सेल का वोल्टेज है 1.1 है और एक्सटर्नल वोल्टेज उससे कम है, तो उस केस में दिस सेल बिकम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड केस, इफ ई नॉट सेल इज लेस देन ई एक्सटर्नल, मीन्स हमारा जो वोल्टेज है बैटरी का 1.1 है, पर हमने मान लो कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है बैटरी है इस सेल के अंदर, और उसका वोल्टेज 1.1 से ज्यादा है ना, मीन्स 1.2 है या फिर 3 वोल्टेज है 4 वोल्टेज है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिस सेल बिकम इलेक्ट्रो लाइट, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा ना। और लास्ट कंडीशन, थ्री कंडीशन, इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, मीन्स इसका भी 1.1 है और इसका भी 1.1 है जो हमने एक्सटर्नल कनेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, करंट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स सेल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, करंट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आता है, इस टाइप से ये मैंने यहाँ पे तीन केस बना रखे हैं है ना, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हमारे जो भी बैटरी का जो इंटरनल वोल्टेज जो हमें जो बैटरी हमको क्रिएट कर रही है, हमको जो दे रही है,
उस वोल्टेज को यदि हम आउटर सरफेस पे वहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करते हैं एंड आई एक्सटर्नल, तो उस केस में टोटल थ्री कंडीशन पब्लिश होते हैं जो ध्यान रखना एग्जाम में आता है। एक्सटर्नल सोर्स की यदि वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो वोल्टेज बहुत ज्यादा है उस केस में दिस सेल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यदि उसका वोल्टेज कम है दिस सेल बिकम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो दोनों का वोल्टेज यदि इक्वल कर दूंगा तो उस केस में करंट वहां पे जीरो हो जाएगा। लास्ट है इस टॉपिक का, लास्ट टॉपिक है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हेडिंग कर लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो सेल को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये यहाँ पे डबल एक लाइन आती है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज ना, वर्टिकल डबल वर्टिकल लाइन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे अपना आएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकता हूँ मैं, हाफ सेल यहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे आ जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल। देखिए इसको मैं लिखता हूँ मैं निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जेड एन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू, ये मैंने फेस को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन डालनी होती है, यहाँ पे एक पास आ जाएगा जेड एन प्लस टू, कंसेंट्रेशन कितने का रखा मैंने स्टैंडर्ड है तो वन मोलर, डबल वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सिमिलरली कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर एक पास स्टार्टिंग में इसका वन मोलर है कन्वर्टेड इंटू कॉपर सॉलिड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो मैंने केमिकल रिएक्शन भी लिखा है तो केमिकल रिएक्शन लिखना है तो कैसे कर दोगे, जेड एन सॉलिड प्लस थ्री टू एक्वस कन्वर्टेड इनटू जेड एन प्लस टू एक्वस प्लस थ्री सॉलिड, इस टाइप से हमारा रिएक्शन हो जाएगा, इसको बोले नेट रिएक्शन, इसको बोलूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है ना, इस पोर्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इस पोर्शन में रिडक्शन रिएक्शन होता है, इस टाइप से दोनों को सेपरेट आउट करते हैं। और यहाँ पे जो ये है ना, ये वर्टिकल सिंगल वर्टिकल लाइन ये फेस को सेपरेट करता है, और यहाँ पे ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। हाँ एक चीज और लिखा देता हूँ, सॉल्ट ब्रिज की तरह क्या यूज कर सकते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज में होता है कैसियल सोल्यूशन NH4Cl सोल्यूशन, या तो KCl यूज कर लो या फिर NH4Cl यूज कर लो, या कई जगह अमोनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होता है कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर, सॉल्ट विच एलिमेंट्स या तो विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर यूज एज अ सॉल्ट ब्रिज, उसका आंसर है द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों का साइज यदि सिमिलर है तो उसको अपन जनरली सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पे अपन लेक्चर नंबर वन फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखेंगे। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन फॉर सेम एलिमेंट, ये ध्यान रखना है सेम एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना ई नॉट एम जी प्लस टू टू एम जी मीन्स ये रिडक्शन गिवन है, ये वैल्यू मान लो यदि एक्स है तो क्या मिलेगा ई नॉट कन्वर्ट कर दो एम जी टू एम जी प्लस टू, ये रिडक्शन है इसको मैंने चेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, इसी को मैंने बोला ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोर्शन यहाँ पे कम्प्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, है ना, टोटल इस चैप्टर का थ्री वीडियो बनेगा और वहां पे अपन अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल से डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंडक्टेंस, फिर उसके बाद देखेंगे अपन लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।